अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायराज किचन। फ्रेंड्स, मायराज किचन में आज हम आपके लिए बना रहे हैं ईद स्पेशल मटन पाया की रेसिपी। मटन पाया बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम ऐड कर रहे हैं घी 1 कप, अनियन प्यूरी है 1 कप, तकरीबन 3 से 4 अदद मीडियम साइज की प्याज लेकर हमने ब्लेंड कर लिया है, अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, और अब तकरीबन 2 से 3 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब हम ऐड कर रहे हैं मटन के पाए 1/2 kg, और 2 से 3 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जी फ्रेंड्स, मटन पाया को 2 से 3 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, नमक ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, दही है 1 कप, और पानी ऐड कर रहे हैं 6 से 7 कप्स। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और अब मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। जी फ्रेंड्स, हमने मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रखा था, जैसे ही उबाल आया है तो अब हम कवर कर रहे हैं, और कवर करने के बाद प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। जी फ्रेंड्स, हमने मटन पाया को कवर करके प्रेशर कुक किया है तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, और हमारा मज़ेदार मटन पाया तैयार हो चुके हैं। हम गार्निश कर रहे हैं कुछ शेड की हुई अदरक और हरे धनिया के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये बहुत ही आसान और मज़ेदार ईद स्पेशल मटन पाया की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।